तो भाई मतलब हम पूरे दिन मतलब जितने भी व्लॉग होते हैं उसमें हंसी वसी की बातें करते रहते हैं। आज थोड़ी सीरियस बात है। तो मतलब जब मेरे 13 या 12 सब्सक्राइबर थे तब लोग मुझे कहते थे तेरी ना आवाज़ बड़ी गंदी है, तू व्लॉग करना छोड़ दे, तेरी वीडियो में मज़ा नहीं आता है, तू व्लॉग करना छोड़ दे, कि मतलब तेरी वीडियो बोरिंग लगती है हमें, तू व्लॉग करना छोड़ दे। तो मैं व्लॉग कभी भी मैंने ना व्लॉग किसी आदमी के लिए नहीं करा, किसी तुम लोगों को दिखाने के लिए का व्लॉग करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो मैं इसलिए व्लॉग करता हूँ। और जो ये बोलते रहते ना कि मज़ा नहीं आ रहा है यार तेरे व्लॉग में, वो अगर उनको मैं एक दिन एडिटिंग में बिठा दूँ, मैं बता रहा हूँ उनकी या तो आँखें फट जाएंगी या सर फट जाएगा। ये बोलना बहुत आसान होता भाई, जब मैंने स्टार्ट करा था भाई मुझे इतने मैसेज आते थे, मतलब इतने हेटर्स, गुज्जी भैया के इतने हेटर्स ये मेरे, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई कोई कुछ बोले। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे लोग हैं मुझे ऐसे बोलते थे भाई यार तेरी ना आवाज़ बड़ी घटिया है, तू छोड़ दे, तू व्लॉगिंग करना छोड़ दे, तेरी आवाज़ बड़ी घटिया है। पर उन्हें पता नहीं मैं हूँ गुज्जी भाई, मुझे उनकी बातों से ना ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था। और वो लोग टिकटॉक बनाते थे, मतलब तुम ये समझ रहे हो, वो मेरी वीडियो को गंदा बता रहे, अपनी टिकटॉक को मासा अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो मैं कुछ कहता नहीं था, मगर छोड़ो, इग्नोर पीपल यार, क्या करेंगे हम। तो मैं एक दो को इग्नोर करा, फिर तीन, फिर और लोग आने लग गए धीरे धीरे। और उसमें से आधे लोग ऐसे कहते हैं यार तेरा ना व्लॉग ना मुझे एक ही जगह बैठ के बनाते हैं, बोरियत लगते हैं। मैंने कहा वही तो व्लॉग है भाई। देखो एक चीज़ होती है, अगर तुम बार बार जा रहे हो वो व्लॉग अलग होते, पर अगर तुम कैमरे के साथ बात कर रहे हो ना, उन व्लॉगों में जो सच्चाई भरी है ना, सिंप्लिसिटी इज़ द की, मतलब साधारण आदमी वो भरा हुआ है उसमें। तो उसके बाद सबसे पहले शुरुआत में मुझे 14 सब्सक्राइबर थे, तब मेरे को मैसेज आते थे कि आपकी वॉइस बड़ी गंदी है, आप ना व्लॉग ना बनाया करें। तो हम सोचते थे अच्छे, हमको ऐसे कह दिया, मतलब हमारे दिल पे लग जाती थी। वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी लग जाती है भाई। तुम कुछ भी काम कर रहे हो, इतनी मेहनत लगा रहे हो भाई, दिन रात लगा रहे हैं हम उसमें। मैं दूसरों का लैपटॉप उधार लेके आ रहा हूँ कंकड़खेड़ा से। अरे यार ये जगह का नाम क्यों ले देता हूँ हर बार, सॉरी। मतलब मैं थोड़ी 2-3 किलोमीटर दूर से लैपटॉप लेके आ रहा हूँ रात के लिए, फिर सुबह वापस भी कर रहा हूँ भाई। और तुम कह रहे हो कि अच्छा नहीं लगा। कोई कहता था कि तेरी सारी वीडियो एक जैसी हो जाती हैं। तो भाई इंसान एक हूँ, वीडियो एक नहीं होंगी तो कैसा चलेगा, तुम खुद बताओ। और जितना ना मतलब ये व्लॉग बनाना बहुत आसान है, बहुत बहुत सरल कार्य है, सरल। पर जब एडिट करने बैठते हो ना तुम, तब तुम्हें पता चलता है भाई अच्छा ये वाला पार्ट तो मैंने रखना ही नहीं है, ये वाला पार्ट बहुत गंदा है। और बुरा पता क्यों लगता है, अगर तुम्हें कोई ऐसा कहे ना, अनजान लोग कहे कि अबे घटिया व्लॉग है तेरा, तेरी स्टोरी टाइम बिल्कुल घटिया, तो तुम्हें बुरा नहीं लगने का, क्योंकि तुम उस अननोन को जानते नहीं हो। बट अगर तुम्हारा कोई अपना कह दे ना कि वो बात नहीं है तेरे व्लॉग में, क्या कर रहा है, नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी कर ले, मेरे पीछे दुनिया पड़ी हुई है, पीछे सरकारी नौकरी कर ले, मगर नहीं करना है तो अभी व्लॉग करना और स्टोरी टाइम चलाना है दब के। और जब मेरे 14 सब्सक्राइबर थे, मैंने 14 में सुना है, 24 में सुना है और 36 में सुना है। पर अब जब मेरे 1000 और 1300 हो गए ना, तो उन लोगों की तो छोड़ो, उनकी तो जली पड़ी है। पर कुछ लोग इतने अच्छे हैं ना, मेरे इंस्टाग्राम में ऐसे अच्छे अच्छे लोग भरे हुए हैं, कुछ देहरादून से हैं, कोई मेरठ से हैं, कोई मेरे जूनियर हैं, कोई सीनियर हैं, मतलब उनको मेरा काम बहुत पसंद आता है भाई। तो मुझे अगर पाँच लोग डेडिकेट लोग भी देख लेना कि भाई ये बंदा हमें रिलेट कर रहा है या फिर ये कुछ कर रहा है, मैं उसमें खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए 100 व्यू, 100 व्यू भी मेरे ऐसे आ जाते हैं भाई, तुम लोगों का मानना पड़ेगा। मैं शेयर भी नहीं करता हूँ किसी के साथ, अब छोड़ दिया भाई, ये वो गली छोड़ दी है हमने, ठीक है, शरीफों की गलियों में चले गए हैं हम। तब मैंने वो काम करना छोड़ दिया, मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ, अपने स्टेटस में डाल देता हूँ जब मेरा मूड होता है कि मुझे लगता है ये वीडियो नहीं है शेयर करने लायक, मैं नहीं करता हूँ भाई। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो देखेंगे ही देखेंगे, मतलब उन्हें मैं कभी कहूँ भी ना, अगर मैं स्टेटस डालना बंद कर दूँ कि मैं वीडियो नहीं डालता, उनका बकायदा मैसेज आएगा भाई आप वीडियो नहीं डाल रहे क्या। वो ऐसे चिंतित लोग हैं, मेरी चिंता बहुत करते हैं कुछ लोग। तो मैं बताना चाहता हूँ जो ऐसे नेगेटिव लोग रहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, कहेंगे यार तेरी बस की नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, अरे घटिया वीडियो बना रहा है भाई, क्या टट्टी वीडियो, मतलब मैंने सुने हैं ये वर्ड, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसलिए बता रहा हूँ। अरे भाई कुछ नहीं होने का, वीडियो वीडियो में कुछ नहीं रखा, सरकारी नौकरी करो, IAS PCS बनो। एक बात बताओ, मैंने BA के पेपर में चीटिंग करके पास हुआ, तो मेरी शकल में कहीं से दिख रहा IAS PCS का आई दिख रहा है, कहीं ए दिख रहा हो, एस दिख रहा हो,
आईएस पीसीएस मेरी शक्ल देख के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लगा लें, गुज्जी भाई आईएस बनो पीसीएस बनो, काहे बने हम आईएस पीसीएस। हम गए थे सीए करने, मैं बता रहा हूँ तुम्हें स्टोरी, हम गए थे सीए करने। अब हमें सीए में एडमिशन नहीं मिला तो हमने बी चुन लिया, तो हम अब कर रहे हैं बीए, समझे। तो लोग पता नहीं मुझसे क्यों कहते हैं तुम आईएस पीसीएस करो, कोई कुछ ज्ञान देता है, ज्ञान देने वाले आए हैं, मतलब लोग अगर ज्ञान ना दे तुम्हें तो काहे। बट अब मेरे 1400 सब्सक्राइबर होने वाले, अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे उस दिन में, और बुला सुनाऊंगा इन लोगों को, और सुनाऊंगा इनको, एक्सपोज कर दूंगा। तो भाई अब मेरे 1400 सब्सक्राइबर होने वाले ना, तो मुझे आधे 50 लोग अगर मैसेज करते ना, उसमें 50 के 50 अच्छे मैसेज होते हैं भाई, मज़ा आ गया भाई। भाई स्टोरी टाइम में बहुत उम्दा मज़ा आ गया भाई, आपके हम ब्लॉग्स डेली देख रहे हैं, हमें रिलेटेबल लग रहा है। परसों एक भाई ने भेजा था एक मैसेज, उनकी सीनियर देख रहे हैं गुज्जी भाई, लड़कियों के बीच में गुज्जी भाई ऐसे घुस जाते हैं। तो भाई मतलब उन्होंने तारीफ करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो स्क्रीनशॉट आया मेरे पास, प्रिया मैडम थी कोई, तो प्रिया मैडम शुक्रिया आपका। मेरे को ऐसे मैसेज ना मेरे दिल खुश कर देते हैं यार, मतलब अच्छे अच्छे मैसेज है। बहुत सारे लोग हैं जूनियर है मेरे साथ के, बहुत मतलब जो मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं भाई, मैं डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ और बंदे ऐसे हैं डेली देखने के लिए बेताब। तो मैं ये सोच रहा हूँ गलती से मैंने अगर छोड़ दिया व्लॉग करना, मतलब छोड़नी मतलब हफ्ते में 2 दिन डालना, तो मुझे कितनी गाली पड़ेगी, मैं ये सोच रहा हूँ। तो लोगों की टेंशन छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे लोग, क्या, अरे लोगों को छोड़ो, तुम अपना करते रहो भाई। मैं बता रहा हूँ, मैंने मुझे कुछ नहीं आता था व्लॉगिंग में, वी नहीं आता था, मैंने सीख के इधर उधर से जुगाड़ करके सीख लिए व्लॉगिंग। अब तुम देख रहे हो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो चुका है, और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ ऐसे ही हाई नहीं है, 4-6 लोग भी खड़े कर दे तुम्हारा भाई नू करके पकड़ता कैमरा, नू और नू करके शुरू हो जाता है। तो अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो थोड़ा शिद्दत से करो, लोगों के काम है भाई बोलने, लोग बोलेंगे। तुम आईएसपीसीएस बन जाओ तो लोग कहेंगे विदेश क्यों नहीं गया तू, मतलब कुछ भी कर लो, तुम बीटेक के बाद नौकरी कर लो 40,000 की, लोग कहेंगे अरे बस 2 लाख रुपये फीस दी है 40,000 की नौकरी, वाह इतू सा। और ये वो लोग हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ करना नहीं है। ये वो वाला गाना सुना है तुमने, मैं भी चंगा मेरा ब्यो भी चंगी मेरी एक्स भी चंगी टैं टैं टैं, समझ गया ना तुम। तो ऐसे लोग होते हैं, बट मुझे पहले बुरा लग जाता था कभी कभार, मैं बुरा मान जाता कोई मुझे कमेंट कर रहा है या कोई कुछ कह रहा है कि क्यों बना रहा है वीडियो भाई, गंदी वीडियो, मज़ा नहीं आया कुछ, तो कभी कभार लग जाता बुरा। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, बट इस जब से मैं व्लॉगिंग में आया ये चीज़ें मुझे थोड़ी चुभने लगी हैं कि यार हम सालों मेहनत कर रहे हैं, दिन रात भाई लगे पड़े, और लोग कह रहे हैं भाई मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा ना आए कमेंट मत करो। बट किसी इंसान को नीचे मत दिखाओगे, जब वो तुम उसे नीचे दिखाने लगते हो ना भाई, मैं बता रहा हूँ अगर मुझे कोई 40-50 बार बोल दें तेरे व्लॉग अच्छे नहीं, मैं तो कट्टा निकाला मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं बहुत बोलने वाले, बट जितना मुझे सीखने को मिला है ना व्लॉगिंग में, मुझे नहीं लगता भाई किसी और चीज़ में मैं इतना डेडिकेट हो सकता हूँ। व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा डेडिकेट है, उसके बाद तुम्हारे भाई का हो रहा है आज छोड़ो तुम, आज घरेलू व्लॉगिंग मत देखो, आज तुम सीधा एक ही बैकग्राउंड में हिलना नहीं, अब हिलना नहीं, अब जिनको हिलना है वो चले जाइए, जिनको देखनी है वो वीडियो यहीं देख ले। बाकी हाँ कमरा साफ करना था, कमरा साफ करने चलते। तो भाई मैंने सोचा था कमरे की सफाई करूँगा, वीडियो बना लूँगा, बट जब मैंने देखा ना मेरे पहले ही शॉट मतलब बिना स्क्रिप्ट के 8 मिनट का दे दिया है, अरे दैया इतना लंबा शॉट हो गया, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी अगर मैं सफाई सफाई करूँगा, तो ये गलत हो गया यार, ज़्यादा बोलने लग गया यार, तो मैं ज़्यादा बोलने लग गया बिना स्क्रिप्ट के, मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोलने लगा। टैलेंट है अपने, तुम स्क्रिप्ट लिखो चाहे विदाउट स्क्रिप्ट, गुज्जी भाई स्टॉप, बाकी तो तुम्हें पता चल चुका है, पीस आउट करना सीख जाओ सारे के सारे, पीस आउट।